टाटा मोटर्स को लेकर खबर आती हुई दिखेगी। भारत की पहली कंपनी बनी है जिसे NCAP जो भारत की टेस्टिंग स्टैंडर्ड है जो इसी साल लागू हुआ है, 5 स्टार भारत NCAP रेटिंग मिली है। पंच की ईवी और नेक्सॉन ईवी पहली ईवीज हैं जिन्हें 5 स्टार भारत में रेटिंग मिली है, तो बड़ी खबर आ रही है। वैसे भी जो टाटा मोटर्स की गाड़ियां आ रही हैं वो अपनी सेफ्टी रेटिंग के लिए जानी जाती हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी उनके सेट हैं, बट जो भारत ने अब जो NCAP स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया है उसके तहत पहली ईवीज बनी है जिसे 5 स्टार यानी कि टॉप रेटेड सेफ्टी वाइज ये बनी है, पंच की ईवी और नेक्सॉन की ईवी। तो एक और अच्छी खबर आ रही है टाटा मोटर्स के लिए, और सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से एक अश्योरेंस मिल रही है उनके यूजर्स को जो भी ये गाड़ियां खरीदते हैं, 5 स्टार रेटिंग भारत NCAP ने दी है। मैं इसीलिए बार बार टाटा मोटर्स इसलिए रिकमेंड करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये भारत का टेस्ला है। यस, टेस्ला न सिर्फ अमेरिका में बनाता है, दुनिया भर में बेचता है। इस खबर की इम्पोर्टेंस क्या है, और अगर आप इस खबर को लेकर कन्फ्यूज हो रहे क्योंकि एक कल खबर आई थी कि यूरोपियन यूनियन ने जो कुछ भी गाड़ियां चाइना से इम्पोर्ट होते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उस पर बैन लगाया है, तो टाटा मोटर्स के लिए अच्छी खबर थी कि ये अब ज़्यादा गाड़ियाँ बेचेंगे। लेकिन वो गाड़ियाँ कौन सी थी जो वो यूरोप में ही बनाते हैं, JLR वाली गाड़ियाँ। आज जो खबर आई उसमें बड़ा फर्क है, आज जो खबर आई हिंदुस्तान में जो गाड़ियाँ बन रही इनकी कौन सी, पंच और नेक्सॉन जो ईवी व्हीकल्स हिंदुस्तान में बने, अगर आपको बेचना है यूरोप में तो NCAP कंप्लाइंट NCAP कंप्लाइंट आपको होना चाहिए, राइट। हाँ, भारत की जो भारत की है और उसकी 5 की रेटिंग मिलनी चाहिए तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जिसको 5 की रेटिंग मिली है, अब ये यहाँ पे बनने वाली गाड़ियां भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये यूरोप के लिए इनका मार्केट खुलता हुआ दिखेगा। यूरोप में जो बन रही है JLR की वो तो बेचेंगे, JLR तो इनका मार्केट ही है वहां पर, ठीक है। उसको फायदा इस बात से हुआ कि चाइना पर बैन लगाया उन्होंने, चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। अब जो फायदा होगा टाटा मोटर्स को, इस बात का फायदा होगा कि जो टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां जो यहां बन रही है जिनकी 5 स्टार रेटिंग है, और इसलिए गडकरी साहब ने इन्हें बधाई दी है ये करके, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखा है। जरा इसके एक बार हमारे एक्सपर्ट्स को जरा इसके चार्ट पर एक बार टाटा मोटर्स पर राय ली जाए। टाटा मोटर्स ज्यादा पसंद किसको है वही सोच रहा हूं मैं। चलिए सुमित जी बताएं सर। अनिल जी देखिए इसके अंदर ओवरऑल पोजीशन तेजी का रख के चलने में फायदा है क्योंकि ये सेक्टर पूरा मजबूती के अंदर है, और टाटा मोटर के अंदर छोटा मोटा डिप आता है जब भी इसमें खरीदारी करें। अभी भी इसके अंदर कभी भी आने वाले दिनों में नीचे में 20-30 रुपए का गिरावट आता है तो खरीदारी करके चले। 1000 का लेवल जब भी ऊपर में क्रॉस करेगा, 1000 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा और सस्टेन करेगा, तो आने वाले समय में टाटा मोटर में 1040-1050 के लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे। तो डिप में इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा और एग्जिस्टिंग पोजिशन होल्ड रख के चल सकते हैं।